देखिए, ये घटना निंदनीय है। घटना की जितना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अभी आपने ये कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार है, हरियाणा सरकार किसी की भी हो, जी घटना इस तरीके की घटना किसी के साथ हो, चाहे वो नासिर के साथ हो या जो है संदीप त्रिपाठी या किसी एक्स वाई जेड किसी के साथ होती है, ये जी घटना इस तरीके की घटना कतई जायज नहीं कही जा सकती। और आज इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, किसी मोनू मानेसर हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई भी भाजपा का नेता हो, वो उसको ये अधिकार नहीं है कि संविधान से ऊपर उठकर वो जो है अपने हाथों में कानून व्यवस्था लेकर अपने हिसाब से न्याय देने का अगर काम करता है तो कहीं ना कहीं वो संविधान का उल्लंघन है। कानून की वो अवहेलना कर रहा है, उसे जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए वो जो है कम है। और एक बात और अपडेट दे देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत जी ने उस पे दुख जाहिर किया है और एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी जगह दबिश दी जा रही है और भी लोगों को गिरफ्तारी होगी। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा सरकार का रवैया है और वो आज भी उनका जो सपोर्टिव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हरियाणा का सरकार का जो सपोर्टिव रवैया होना चाहिए वो कतई नहीं है। और वो ये मोनू मानेसर जैसे लोग, बजरंग दल वगैरह के लोग, ये उनके पाले हुए गुंडे हैं। ये आप समझिए कि हरियाणा और अगर अगर राजस्थान में वो खौफ ना होता तो घटना को अंजाम ये जलाने वाला काम तो वो राजस्थान में ही कर देते। देखिए, भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, तो सॉरी हरियाणा दोनों से जुड़ा हुआ है, तो जी उनको ये पता था कि राजस्थान में अगर इस तरीके की हम कोई घटना करेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे और तुरंत जेल जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए सुरक्षित स्थान ढूंढकर अपने आका के जो है संरक्षण में पहुंचते हैं, जो मानसिक रूप से। और जिस तरीके से, एक बात और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से मोदी जी आरएसएस से निकलकर आते हैं और भाजपा में जाते हैं और आज प्रधानमंत्री बनते हैं और गोधरा का कांड होता है, भले मैं ये कहता हूं कि कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन सच्चाई क्या है सबको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि क्या था। तो एक जो मॉडल बना वो कहीं ना कहीं मॉडल मोनू मानेसर जैसे लोगों को बढ़ावा देने का काम करता है लेकिन कि वो भी संदीप जी, सबको जिस ऐसे तरीके से उसने अपना वीडियो जारी किया है, उसमें वो साफ कह रहा है कि मेरा इसमें कोई नाम नहीं है, मेरा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और ये सब कुछ झूठ है, और जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मैं पुलिस मैं का एक सहयोग एक लास्ट करूंगा। पॉइंट एक लास्ट पॉइंट रेस कर दूं फिर आप दूसरों के पास जाइएगा। ना मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी अपराधी हो, अपराध करने के बाद कतई ये नहीं करता कहता है कि हमने ये किया है, वो बिल्कुल सफाई करेगा, उसके बाद हाईटेक एजेंसियों की मांग करेगा, वो सब कुछ ड्रामा चलता है। लेकिन बाद में जब पकड़ में आता है, रिमांड पर लिया जाता है, जब पट्टे चलते हैं सारी असलियत निकल के आ जाती है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये आज वीडियो जारी कर रहा है, उसी के सोशल साइट पर आप देखिए कितने वीडियो है, गोली चला रहा है, वो टायर पर गोली मार रहा है, टायर पर गोली मार रहा है, भाई मर भी सकता है, लोग गाड़ी पलट सकती है, किसने अधिकार दे दिया? ये तो सोशल मीडिया और साइट पे है ना। हरियाणा सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? लगातार उसकी वीडियोस आप देखिए, कहीं टायर पे खड़े रहा है, अरे ये भाग गया, ये भाग गया, क्या ड्रामेबाजी चल रही है भाई? अरे आपका बस का नहीं है, हरियाणा छोड़िए, जाइए घर बैठिए। आप अगर पुलिस प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं, मैं कह रहा हूं गौ तस्करी अगर हो रही है तो क्या हरियाणा पुलिस निकम्मी है? क्या निकम्मी है? हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या निकम्मे हैं कि वो जो है गौ तस्करों को नहीं पकड़ सकते, इन जैसे गुंडों को पकड़ रखे? असल में इनसे वसूली कराई जाती है, ये पैसा वसूल कर भाजपा के नेताओं को देते हैं। आप समझिए, एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा बिजनेस। और आप समझिए, जब से हमें उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़े नेता आज जो है बहुत बड़े नेता बन गए हैं, किस पद पर पहुंच गए हैं, मैं बताऊं, मैं बगल के जिले का रहने वाला हूँ, गौ तस्करी से आज इतने बड़े नेता बने, हिंदू है, उनके चंदे का भी आरोप लगा है कि नवदुर्गा का चंदा भी कहा गए थे, चलिए आज वो बहुत बड़े पद पर है ठीक और गौ है तस्करी करके वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, सारे लोग जानते हैं क्षेत्र के। ठीक है तो ठीक ये है इनका ठीक इनका है, एक 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 राजनीति का मॉडल बन गया है। चलिए मैं शमशी जी आज़ाद को दोबारा से चर्चा में लेता हूँ, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। इस पूरी घटना पर आपकी बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया, जिस तरीके से नाम आ रहा है कि मोनू मानेसर जो है उसका जो ताल्लुक है वो बजरंग दल से है और पहले भी इस तरह की घटनाओं में उसका नाम आता रहा है, क्या हरियाणा सरकार उसको छूट दे रही है या जिस तरीके से पुलिस का रवैया, उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उसके साथ शामिल थी और उस पूरी घटना को अंजाम दिया। मैं हमारे मौजूद सभी जी भाई,
को जेल जाने के लिए समझ जाते हैं। देखिए बहुत हृदय विदारक घटना है, इस पर जितना भी शोक व्यक्त किया जाए कम है। रही गई बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात, हरियाणा में है तो वो समर्थन कर रहे हैं, कहीं से भले आप उत्तर प्रदेश में देखें या कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। कहीं पर भी अपराध को या भ्रष्टाचार को या कहीं पर भी गलत से जो कुछ भी हो रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नजर आती है, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों चाहे किसी के कार्यकर्ता। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के पूरी तरीके से पृष्ठभूमि से वाकिफ हूँ। हरियाणा का थोड़ा सा ज्ञान कम है हमको, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन वहां पर भी जो शीर्ष नेता है भारतीय जनता पार्टी की, तो उन लोगों ने और उनके अधिकारियों ने पूरी तरीके से मामले को संज्ञान में लिया, नियमों तक ये बात पहुंची और वहां पर भी इस पर जो उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। बहुत से लोगों की गिरफ्तारी आप देखेंगे रात भर में ही गिरफ्तारी होगी, जो लोग भी हो चाहे वो किसी भी जांच हो। मोनू मनेसर का आपने वो पूरा सोशल मीडिया देखा, आपने जिस तरीके के वीडियोस वो अपलोड करता है, जिस तरीके की चीजें उसमें नजर आती हैं, क्या कानून सरकारें उसको सब कुछ मूक दर्शक बन के देखती हैं और उसको बढ़ावा दे रही हैं? अगर उस पर रोक लगाई होती तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं रुकती नहीं। उससे सटा हुआ राजस्थान एक प्रदेश है जहाँ पर पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की वहां पर प्रेजेंस है, और वहां पर कांग्रेस पार्टी वहां पर बैठा हुई है और उससे लगा हुआ हरियाणा का भी मॉडल लगता है, तो जहाँ पर थोड़ा सा पड़ोसी प्रदेश है वहां पर अगर अपराध बहुत ज्यादा है तो वहां से ही कहीं ना कहीं मेरे अधिकारी बात कर हरियाणा में आने की कोशिश करते हैं, यहाँ से वहां जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक ये मामला गंभीर हुआ जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ठीक है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है वो ऐसी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं करती है और ना ही उनका समर्थन करती है। मैं आता हूं सपा प्रवक्ता चंचल यादव के पास। चंचल जी क्या कहेंगे, दो नौजवान उनको अपनी ही गाड़ी में बिल्कुल भस्म कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, सरकार पुलिस प्रशासन कानून सबके सब हाथ मलते रहते हैं और दो जाने खत्म हो जाती है, परिवार जो है रोता पीटता रहता है, और ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इतिहास को देखें तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। रोक लग पाएगी या नहीं लग पाएगी? देखिए निश्चित तौर से बहुत ही दुखद घटना है, बहुत बीभत्स घटना है। आप देखें अभी दो दिन पहले ही कानपुर देहात के अंदर जिस तरीके से एक माँ और एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, कौन लोग हैं ये, देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं?